नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा, आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेट प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसमें हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पार्ट सेकंड को आगे बढ़ाते हुए पुनः अपने वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में विद्यार्थियों, हमारे सामने जो नया प्रश्न दिखाई दे रहा है वो है, तंत्रिकाएं निम्न में से किससे विकसित होती हैं। देखिए बच्चों, तंत्रिकाओं की उत्पत्ति पूछी जा रही है आपसे कि तंत्रिकाएं किससे विकसित होती हैं। तो आपको पता होगा कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो गैस्ट्रुला अवस्था आती है, गैस्ट्रुला अवस्था में तीन जननिक स्तरों का निर्माण होता है। कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं गैस्ट्रुला अवस्था की। इस गैस्ट्रुला अवस्था में तीन प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण होता है। एक को कहते हैं एक्टोडर्म, एक को कहते हैं मीजोडर्म और एक को कहते हैं एंडोडर्म। बच्चों, आपको एक बात पता चली कि गैस्ट्रुला अवस्था में तीन स्तरों का निर्माण हुआ और तीन स्तरों के निर्माण होने पर अब हमारा भ्रूण क्या कहलाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक अवस्था आते ही अब अंग जनन का क्रिया चालू हो जाती है। अंग जनन की क्रिया आरंभ होगी। जैसे ही अंग जनन की क्रिया आरंभ होती है, तरह तरह के अंगों का निर्माण होने लग जाता है, जिसमें भी अपन को ध्यान रखना है कि अंग जनन में जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसका विकास हमेशा एक्टोडर्म से होता है। और आपको यह भी पता है कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से मिलकर बना है, तो इसका मतलब तंत्रिकाएं भी एक्टोडर्म से ही मिलकर बनी होंगी। अब आपके सामने सही विकल्प को छांटने की पूर्ण रूप से सहूलियत है। तंत्रिकाएं किससे बनी है बेटा? एक्टोडर्म से। इसलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प संख्या ए, अर्थात एक्टोडर्म। अगले प्रश्न पर हम चलें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भ्रूणावरण भ्रूण को निम्न में से सहायता करता है। बच्चों, ये भ्रूणावरण किसे कहते हैं? भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो भ्रूण का विकास होता है, उस भ्रूण के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार के आवरण बन जाते हैं, झिल्लियाँ बन जाती हैं, जो भ्रूण के अतिरिक्त बनती हैं, अर्थात भ्रूण के बाहर की ओर बनती हैं। ऐसी झिल्लियों को अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ कहा जाता है। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की बात करें तो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ मूल रूप से चार प्रकार की होती हैं, एमनियोन, कोरियोन, योक्सैक और एलेंटोइस। अब कौन सी झिल्ली किससे संबंधित है, कहाँ पाई जाती है, मैं आपके सामने थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये भ्रूण है। क्या ये भ्रूण? भ्रूण के चारों ओर आपको ये झिल्ली दिखाई दे रही है। ये झिल्ली कौन सी है? इसे कहते हैं एमनियोन। इसके बाद हम बात करें, यहां पर एक झिल्ली आपको और दिखाई दे रही है इस तरीके से। ये जो झिल्ली होती है, इसे कहते हैं हम लोग एमनियोन। ये है ये वाली, इसे कहते हैं कोरियोन। यहां पर ये है योक्सैक और ये झिल्ली कौन सी है? एलेंटोइस।
देखिए बच्चों चार प्रकार की है, एमनियोन, कोरियोन, योक्सेक और एलेंटोइस। बच्चों चार प्रकार की इन भ्रूणीय झिल्लियों को आप देखें तो एमनियोन, कोरियोन, योक्सेक और एलेंटोइस, जिसमें भी एमनियोन भ्रूण को चारों तरफ से ढकने का कार्य कर रही है। एमनियोन और भ्रूण के मध्य एक खाली स्थान पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है, इसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक गुहा बोलते हैं इसको। इस एमनियोटिक गुहा की बात करें, इसमें तरल भरा रहता है, जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक तरल कहते हैं। ये जो तरल होता है, ये तरल करता क्या है, ये तरल इस भ्रूण को बाहर से लगने वाले झटकों से बचाने का कार्य करता है। अर्थात ये जो भ्रूणीय आवरण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो किसके द्वारा की जा रही है, इसके अंदर मिलने वाले तरल के द्वारा की जाती है, जो झटकों से बचाने का कार्य करता है। जरा देखें तो भ्रूणावरण भ्रूण को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। तो सही आंसर हमारा होगा विकल्प संख्या बी। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न है, प्लेनॉर्बिस व लिम्निया निम्न में से किसके मध्यवर्ती वाहक हैं। बच्चों पहले तो ये पता चले कि साहब ये प्लेनॉर्बिस है क्या, ये पता चले कि लिम्निया है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लेनॉर्बिस और हमारा इस प्रश्न में दिया गया हुआ लिम्निया, ये दोनों घोंघे हैं। क्या ये घोंघे, इसको मैं कह सकता हूँ जलीय घोंघे हैं सब। और ये जलीय घोंघे करते क्या हैं, ये जलीय घोंघे मध्यवर्ती वाहक के रूप में काम करते हैं। मध्यवर्ती वाहक किसके हैं, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा यकृत कृमि। यकृत कृमि की बात करें तो यकृत कृमि एक द्विपोषदीय जंतु है। कैसा है ये, द्विपोषदीय, द्विपोषदीय है। इसके दो पोषद होते हैं, अर्थात अपना जीवन चक्र दो पोषकों पर पूर्ण करता है। इसका जो प्राथमिक पोषद है वो तो है कौन, एक कशेरुकी जीव जिसे कह सकते हैं भेड़। और जिसका द्वितीयक पोषद होता है वो क्या होते हैं, जलीय घोंघे। आपके एक बात समझ में आ गई कि साहब ये जलीय घोंघे यकृत कृमि के द्वितीयक पोषद के रूप में काम करते हैं। और बेटा यकृत कृमि को हम किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं फेसियोला हेपेटिका। तो आपको एक बात पता चली कि प्लेनॉर्बिस और लिम्निया फेसियोला के मध्यवर्ती वाहक कहलाते हैं। तो पहला हमारा जो आंसर है वो ए होगा। अगला देखें, केंचुए में टिफ्लोसोर निम्न भाग में पाई जाती है। तो बच्चों ये टिफ्लोसोर क्या है, हम केंचुए की बात करें, केंचुए में 120 खंडों का शरीर पाया जाता है। एक एवरेज वैल्यू देखें तो केंचुए का शरीर 100 से 120 खंडों में बटा होता है। केंचुए में मुख से लेकर अंत भाग तक एक ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल में कई प्रकार के छोटे छोटे सेगमेंट या छोटे छोटे खंड होते हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे में ग्रसिका है, आमाशय है, पेशनी है, आंत है इत्यादि। अब हम बात करें जो इसकी आंत होती है, इसकी आंत तीन भागों में बटी होती है। इसकी आंत कितनी भागों में बटी होती है विद्यार्थियों, तीन भागों में। और तीन भागों में होती है, एक तो होती है प्री टिफ्लो सोलर भाग, एक होती है टिफ्लो सोलर भाग और अंतिम भाग होता है इसका पोस्ट टिफ्लो सोलर भाग। पोस्ट टिफ्लो सोलर भाग। बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि आंत कितने भागों में बटी है, तीन भागों में, प्री टिफ्लो सोलर, टिफ्लो सोलर और पोस्ट टिफ्लो सोलर।
लेकिन ये केंचुए के कौन से खंड में उपस्थित होते हैं भाग, तो जरा देखें जो टिफ्लोसोलर भाग है, टिफ्लोसोलर भाग 14 से लेकर 26 खंडों का होता है, 14 से 26 खंडों में बटा होता है। टिफ्लोसोलर की बात करें, यह 27वें खंड से आरंभ होकर अंतिम 25 खंड तक होता है और ये अंतिम 25 खंड में होता है। क्या कहा बेटा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा कि प्री टिफ्लोसोलर भाग केंचुए में 14वें से 26 खंड तक पाया जाता है, टिफ्लोसोलर भाग 27वें खंड से लेकर अंतिम 25 मतलब आखिरी 25 खंड से पूर्व तक के भाग को क्या कहते हैं? टिफ्लोसोलर भाग कहते हैं, और आज के अंतिम 25 खंडों को पोस्ट टिफ्लोसोलर भाग कहा जाता है। तो बच्चा हमारे पास जो प्रश्न आया, केंचुए में टिफ्लोसोलर निम्न में से किसका भाग है, तो आप मुझे बताएं ये जो टिफ्लोसोलर भाग है ये किसका है? ये ग्रसिका का है क्या? नहीं, ये विकल्प गलत। क्या ये आमाशय का है क्या? गलत। ये पेशनिका है क्या? गलत। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प हमारा विकल्प संख्या डी अर्थात आंत कहलाएगा। समझ में आ गया? अर्थात टिफ्लोसोलर भाग आंत का भाग होता है। अगला चलें। कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? सामाजिक कीट, इसमें एक शब्द आ रहा है सामाजिक, और बच्चों सामाजिक में एक शब्द छुपा हुआ है समाज। ऐसा कौन सा जीव है जो समाज में रहता है अर्थात एक ग्रुप में रहता है? तो बेटा मधुमक्खियां भी ग्रुप में रहती हैं, जिसमें नर के रूप में ड्रोन, मादा के रूप में रानी और श्रमिक पाई जाती हैं। चींटियां भी एक समूह में मिलती हैं। दीमक, ये भी समूह में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी कॉलोनी, लार्जेस्ट कॉलोनी कौन बनाता है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कॉलोनी का जो निर्माण है वो सबसे बड़ी कॉलोनी का निर्माण दीमक के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब दीमक सबसे बड़ी कॉलोनी बनाने वाला एक सामाजिक कीट है। बच्चों अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है? हमसे क्या पूछा गया? उसने पूछा कि कीट नियंत्रण का तरीका पूछा है कि कीटों का नियंत्रण कैसे करें। तो कीटों के नियंत्रण को कैसे, यानी क्या है कि अपन लोग संपन्न करें, तो यहां पर लेकिन कीटों को कंट्रोल करना है, लेकिन किस रूप में करना है? जैविक रूप में करना है अर्थात सजीव के द्वारा ही करना है। तो जरा गौर करके देखें, पहला विकल्प है कीटों के प्राकृतिक शत्रु की जनसंख्या में वृद्धि करना। कीटों के प्राकृतिक शत्रु कौन से होते हैं? जो छोटे कीट होते हैं उनके प्राकृतिक शत्रु में मैना है, चिड़िया है, इत्यादि है। अगर इनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या बढ़ा दें तो ये कीटों को चुन चुन कर नष्ट कर देंगे। दूसरा विकल्प क्या कहता है? प्राइमरी जेंस शाकनाशी का प्रयोग करना। प्राइमरी जेंस शाकनाशी किसे कहते हैं? बुआई से पहले यदि शाकनाशी का छिड़काव कर दिया जाए तो इसे प्राइमरी जेंस शाकनाशी के रूप से जाना जाता है। फिर कह रहा पंक्तियों में खेती करना, और लास्ट विकल्प कह रहा है खेती का चक्रीकरण करना। अब मुझे बताएं, यहां कह रहा है कि कीटों का नियंत्रण जैविक तरीके से करना, कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसी सजीव को ही उपयोग में लेना है, तो खेती का चक्रीकरण, पंक्तियों में खेती करना और शाकनाशी का उपयोग करना, ये तीन विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर कौन सा आएगा? कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करना कीट नियंत्रण का जैविक तरीका कहला सकता है। अगला प्रश्न, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम का सामान्य नाम है? ये तो बेटा जंतुकल नाम है। इसने पूछा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, समय ज्यादा अपन खराब नहीं करें, ये खपरा भ्रंग का सामान्य नाम कहलाता है। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में पाया जाता है?
बहुत कॉमन सा प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन की बात करें, अलैंगिक प्रजनन, एक आपने सुना होगा लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन उच्च लेवल का प्रजनन होता है, उच्च स्तर का जनन है। लेकिन हमसे पूछा उसने अलैंगिक, तो इसका मतलब ये निम्न लेवल का है। तो इसमें हम ऑप्शन जरा चेक करें, पादपों में या पौधों में, पौधे या पादप जो दे रखे हैं, पादपों में अलैंगिक जनन होता आपने देखा होगा। अलैंगिक जनन के रूप में कायिक जनन शब्द भी लोगों ने सुना है, जड़ तना पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब अलैंगिक जनन पादपों में पाया जाता है। कम विभेदित जीवों में जो छोटे स्तर के जीव होते हैं उनमें सामान्य अवस्था में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अमीबा देखें आप, लैंगिक जनन नहीं होता, अलैंगिक जनन के द्वारा ही जनन दर्शाता है। सूक्ष्म जीवियों की बात करें उनमें भी क्या होता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। इसलिए सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। चलें क्वेश्चन नंबर 29th, खेत के चारों तरफ नाली किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है। बेटा खेत के चारों तरफ नाली हम किस लिए बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे बाहर से आने वाले फसल को नष्ट करने वाले शत्रु खेत के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब ऐसी कंडीशन में जो नाली बनाई जाती है तो नाली किस को रोकने के लिए बनाई जा रही है, तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि ऐसे कीट जो कूद कर फुदक कर जंप लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए नाली बनाई जाती है। उसमें पानी भर दिया जाता है, उसमें और भी ना कुछ केमिकल्स वगैरह डाल दिए जाते हैं। अगर कोई भी कीट अगर कूद कर खेत में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो लंबी छलांग ना लगा पाने के कारण वो नाली में गिर जाता है और वहाँ पर उपस्थित जल इत्यादि के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ये हम बात कहना चाह रहे हैं ये किसके लिए बनाई जाती है, तो आपने सुना होगा टिड्डी के लिए। बच्चों हमारे भारत में टिड्डी दल ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। वर्तमान में भी अपन लोग पढ़ते हैं कि साहब टिड्डी दल जो कि पाकिस्तान के रास्ते हमारे भारत में प्रवेश करता है, हमारे गुजरात का कुछ इलाका, राजस्थान की कुछ क्षेत्र इत्यादि को छोड़, आजकल तो ये दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश इत्यादि में भी क्या कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। टिड्डी में एक अवस्था होती है, टिड्डी की एक अवस्था कौन सी, फुदका। तो ये जो नालियाँ बनाई जाती हैं जिसे कहते हैं हॉपर, ये नालियाँ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं। तो नाली सुरक्षा टिड्डी के लिए उपयोगी मानी गई है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से पाइसम सेटाइवम है। देखो तो बच्चा बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या पूछा उसने, प्राकृतिक रूप से पाइसम सेटाइवम मटर क्या है। तो हम जरा इसके विकल्पों पर देखें, परपरागित, स्वपरागित, परपरागित एवं स्वपरागित दोनों प्रकार के, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब हमसे परागण से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। हम एक उदाहरण के तौर पर बात करें मटर के पादप की बात करें तो मटर के पादप में कुछ इस प्रकार की घटना दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि ऐसे पुष्प जो बंद प्रकार के होते हैं, बंद प्रकार के मतलब जो कि दलों से इस प्रकार से ढके होते हैं, ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगेमस क्या कहते हैं बेटा, क्लिस्टोगेमस, और इसको हिंदी में कहते हैं अनुन्य मीलिय पुष्प कहते हैं इसको, क्लिस्टोगेमस फ्लोवर कहते हैं। तो बेटा एक बात बताओ कि मटर की बात करें तो मटर में भी क्लिस्टोगेमी पाई जाती है, अर्थात दल पर दल चढ़ा होता है। जब दल पे दल चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब बाहर से आने वाले परागकण किसी भी हालत में हमारे स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, और जब स्टिग्मा तक परागकण नहीं पहुंचेंगे तो परागण की क्रिया पुष्प में उपस्थित इस पुंकेसर के द्वारा परागकणों से होगी। इसका मतलब यहाँ कौन सी घटना हुई, स्वपरागण। तो प्राकृतिक रूप से जो मटर है वो कौन सा होता है, प्राकृतिक रूप से मटर स्वपरागित फसल है, अर्थात विकल्प संख्या बी है। लेकिन कुछ बच्चे
ये भी सुन के आए होंगे या कुछ बच्चों ने इस प्रकार से न कि अपने अध्यापकों से सुना होगा कि मटर में पर परागण की क्रिया आनुवंशिकी के अंतर्गत मेंडल के द्वारा कराई गई थी। लेकिन बेटा यहाँ पूछा है प्राकृतिक रूप से, और मेंडल ने प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार पर परागण की क्रिया को संपन्न कराया था। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है एंजाइम शब्द दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। एंजाइम शब्द किसने दिया था तो जरा देखें, जेम्स वी सुमनर ने, ये सुमनर नहीं बेटा यहाँ सुमनर है, जेम्स वी सुमनर ने, लुइस पाश्चर ने, जॉन एच नॉर्थरोप ने, विलहेम फ्रेडरिक कुहने ने। तो देखो सुमनर की बात करें, सुमनर ने सबसे पहले यूरिएज का प्रयोगशाला में क्रिस्टलीकरण किया था। क्या किया इन्होंने? क्रिस्टलीकरण। लुइस पाश्चर की बात करें तो लुइस पाश्चर ने पाश्चरीकरण की खोज की थी, इन्होंने पाश्चरीकरण विधि की खोज की। जॉन एच नॉर्थरोप ने एंजाइम की प्रोटीन से निर्मित होने की बात कही, अर्थात एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और कुहने ने एंजाइम शब्द दिया था। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, एंजाइम शब्द, ये शब्द दिया था कुहने ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहते हैं? ऐसे रसायन जो पादप के शीर्ष भाग में, पादप का शीर्ष कौन सा हो सकता है? दो प्रकार के शीर्ष हो सकते हैं, एक तने का शीर्ष हो सकता है, इसे कहते हैं मूल शीर्ष, और एक शीर्ष होता है हमारा तने का शीर्ष, इसे कहते हैं प्ररोह शीर्ष। तो जब भी बेटा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण मूल शीर्ष में नहीं होता, ऑक्सीजन का निर्माण हमेशा कहाँ होता है? प्ररोह शीर्ष में। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे रसायन जो पादपों के प्ररोह शीर्ष में निर्मित होकर पादप की लंबाई में वृद्धि की क्रिया को प्रेरित करते हैं, अर्थात पादप को लंबा लंबा बनाने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन कहलाते हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा होती है, लेकिन कुछ ऐसे रसायन भी हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं और वो भी इसी प्रकार की क्रिया दर्शाते हैं, उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित ऑक्सीजन कहते हैं। जरा देखें, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, इसे बेटा कहते हैं IAA। फिर कह रहे हैं 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं 2,4,5-T, पूरा नाम सभी को याद होना चाहिए, पूछा जाता है। फिर कह रहे हैं 1-नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं NAA। चौथा विकल्प जो हमारे सामने है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं 2,4-D। अब बच्चों हमसे पूछा क्या है, प्राकृतिक अर्थात जो नेचुरली हमारे पादप के प्ररोह शीर्ष में निर्मित होता हो, प्राकृतिक रूप से बनता हो, और प्राकृतिक रूप से बात करें तो एक ही आंसर आपको दिखाई देगा जो सही आंसर होगा, IAA या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जबकि 2,4-T, 2,4-5-T, NAA, 2,4-D ये सब संश्लेषित ऑक्सीजन की श्रेणी में आते हैं। अगली बात करें बेटा, अगला प्रश्न है, फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं, फाइटोक्रोम किसे अवशोषित करते हैं? तो फाइटोक्रोम प्रकाश की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं, जो किस श्रेणी में आती है? जो लाल और सुदूर लाल श्रेणी में आती है, अर्थात फाइटोक्रोम रेड एंड फार रेड को अवशोषित करने की योग्यता रखते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होलोसीन शब्द का गठन किसने किया? देखो बेटा, इको सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के लिए शब्द कौन सा आया था? होलोसीन। होलोसीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, और जब ये बच्चा ऐसे
वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, तो इन्हें रटने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आपको याद रखना, होलोसीन शब्द फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ओजोन छेद की इकाई है। यहां हमसे कह रहा ओजोन छेद की इकाई है, या अपन से कहते ओजोन परत की मोटाई का मापन किसमें किया जाता है। तो जरा देखें, ओजोन छिद्र की इकाई क्या है, तो हम सभी को देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉप्सन ये ओजोन छिद्र से संबंधित या परत से संबंधित है। पीपीएम पार्ट पर मिलियन ये सांद्रता को नापने से संबंधित है। डेसीबेल ये ध्वनि के मापने की इकाई है। और टीजी वर्ष का मतलब क्या है, इसे कहते हैं टेगा वर्ष। टीजी का मतलब क्या है, टेगा ग्राम पर ईयर। टेगा ग्राम पर ईयर ये द्रव्यमान की इकाई है। तो आप समझ गए होंगे कि डॉप्सन ओजोन परत या ओजोन छिद्र से संबंधित, पीपीएम किसी विलयन की सांद्रता से संबंधित, डेसीबेल ध्वनि की तीव्रता से संबंधित, और टेगाग्राम ये द्रव्यमान से संबंधित है। और प्रश्न अपन से क्या पूछा है, ओजोन छिद्र की मोटाई या ओजोन छिद्र की इकाई क्या है, तो इसका आंसर आएगा डॉप्सन, विकल्प संख्या पहला। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लग रहा होगा। साथ में मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि जिन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रश्न संख्या एक नहीं माने, अर्थात प्रश्न संख्या 35 नहीं है, इस प्रश्न संख्या 35 में आपको एक से अधिक विकल्प को अधिक प्रश्नों के रूप में देखना है। कैसे, जैसे हमने बात की डॉप्सन, तो डॉप्सन हमारे ओजोन परत से संबंधित हो गया। डेसीबेल ध्वनि की तीव्रता से संबंधित हो गया। तो आपको एक बात ये पता चली कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में करते हैं, डेसीबेल में। आपसे पूछा जाए कि साहब ने कहे टीजी वर्ष टेगाग्राम का मापन किसके लिए किया जाता है, तो द्रव्यमान के लिए। और ओजोन छिद्र की मोटाई या ओजोन परत की मोटाई या ओजोन छिद्र की इकाई क्या है, डॉप्सन। अर्थात एक प्रश्न में एक से अधिक प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी होने वाली ICAR, BHU, JET इत्यादि परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिल सकती है, और हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न हमारे लिए रिपीट होकर आ जाएं, तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है, 3 Mile Island और चेरनोबिल उदाहरण है। 3 Mile Island और चेरनोबिल जो उदाहरण है बेटा, ये परमाणु घटना से संबंधित है। ये अपन को ऐसे के ऐसे ही ध्यान रखना है। हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी पारिस्थितिकी से संबंधित अगर हम बात करें, प्रदूषण इत्यादि, तो वहां पर इसको जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न, एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को कहते हैं। क्या कह रहा बेटा, एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है, अल्फा विविधता कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल कम्युनिटी है, तो इसलिए अल्फा डाइवर्सिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दालें जो कि शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, निम्न में से किस फैमिली से संबंधित है। देखो बच्चा, आपको यहां एक बात पता चली, दाल किससे संबंधित होती है, दाल संबंधित होती है लेग्यूमिनोसी से। किससे संबंधित है, लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित है। और लेग्यूमिनोसी की बात करें तो लेग्यूमिनोसी कुल को 3 उपकुलों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उपकुल होते हैं, आप लोग देखना, लेग्यूमिनोसी को 3 उपकुल में बांटते हैं। एक है पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेसी
एक है सिजोलपिनोइडी, और एक आता है मिमोसोइडी। तो लेग्यूमिनेसी कुल को तीन उपकुलों में बांटा गया, पेप्लियोनेसी, सिजोलपिनोइडी, मिमोसोइडी। अब बेटा हमको यह पता होना चाहिए साहब पेप्लियोनेसी में क्या आती है, पेप्लियोनेसी में सारी दालें आती हैं, सिजोलपिनोइडी में क्या आता है अमलताश आता है, और मिमोसोइडी में क्या आता है छुई मुई आता है। हमसे क्या प्रश्न पूछा दालें, इसका मतलब दालें किस में आ रही हैं पेप्लियोनेसी में। जरा विकल्प देखें है क्या, पोएसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, नहीं पेप्लियोनेसी तो विकल्प ही नहीं है। इसका मतलब या तो प्रश्न गलत है या प्रश्न के विकल्प गलत हैं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा ऊपर चलें, पेप्लियोनेसी किससे संबंधित है, लेग्यूमिनेसी से। जरा देखें पोएसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, अब फिर गड़बड़ हो गई कि हमको कहीं पर भी यहाँ पर लेग्यूमिनेसी नहीं मिल रहा। तो बच्चा कई बार अपन को ये भी ध्यान रखना है कि एक कुल के एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं, इसलिए लेग्यूमिनेसी के बारे में भी ज़रा ध्यान दें। लेग्यूमिनेसी को फेबेसी कुल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फेबेसी। अब मिलेगा हाँ बिल्कुल विकल्प संख्या बी हमारे लिए सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर है 39, निम्न में से कौन सा मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है, मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है। जरा देखें इसके वानस्पतिक नाम दिए हुए हैं कपास के, तो जरा गौर करें गॉसिपियम आर्बोरेटम, ये तो भारतीय है, क्या ये भारतीय, गॉसिपियम हर्बेसियम ये भी भारतीय है, गॉसिपियम हिरुसिटम ये मध्य अमेरिका की है, और गॉसिपियम बारबांडेंस ये इजिप्ट की है, और इजिप्ट को ही अपन क्या कह सकते हैं मिश्र। तो सही विकल्प क्या होगा कि मिश्र के कपास के रूप में गॉसिपियम बारबांडेंस को सही माना जाता है। अगला देखें, मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है। देखो बेटा मूंगफली का तेल खाद्य तेल है जिसे हम लोग खाने में भी उपयोग में लेते हैं, इसलिए इसे वनस्पतिक तेल की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। देखिए बच्चों आरजेसी के द्वारा इस ऑनलाइन सेशन को आरंभ इसलिए किया गया ताकि हम लोग हमारे घर पर रहते हुए अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखें। अगर आप लोग इन प्रश्नों को लगातार पढ़ते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन क्वेश्चन सेशन से आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही अधिक मदद मिलेगी, आप बहुत ही अधिक लाभान्वित होंगे। साथ ही मैं आपसे अनुरोध ये भी करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अन्य दोस्तों को भी हमारे इन वीडियो लेक्चर का अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ ये हमारा एक पेपर कंप्लीट हुआ, कल फिर मिलेंगे इसी समय अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।